घेर लो इन्हें। क्या इसराफील ने सुर फूंक दिया है जो ये सारी लकड़ियां जहन्नम बनाने के लिए ढेर कर रखी हैं? जल्दी खोल दो उसे, इससे पहले कि वो खौफ से अपनी जान दे दे। खुदा वंदा तुम्हें हिदायत करे बेटा, ज्यादा गर्दन न उठाना कि खुदा वंदा ऐसी गर्दनों को मरोड़ देता है। लश्कर कशी वो भी सेंट मारिया के दायर पे, तुम कभी भी माफ नहीं किए जाओगे। मैं तुम्हारी नसीहतें सुनने के लिए यहां नहीं आया हूं, मुझे समझाने की कोशिश न करो। अगर तुम्हें एतराज है तो मुफ्ती आजम या अमीर कूफा से रुजू करो, मर्दान खुदा एक दूसरे की जबान अच्छी तरह समझते हैं। मेरी जबान तो शमशीर है, खबरदार अगर हद से तजावुज किया तो इस इबादतगाह को मस्जिद जरार की तरह जला कर राख कर डालूंगा। कहाँ है हमारे खजानेदार शौजब? अगर उसके सर का एक बाल भी कम हुआ होगा तो मैं तुम सबसे उसका हिसाब लूंगा। बेहतर होता कि शौजब के यहाँ आने से पहले उनके सर के बाल गिन लिए होते जनाब शमशीर। बड़ी चंचल ज़ईफ़ा है। पापा ये आपकी कुछ लगती है? वो सिस्टर सूफिया है, सेंट मारिया की सरपरस्त है। खुशी हुई तुम्हारी ज्यारत से, मगर अफसोस के वालिद मरहूम ने वसीयत की थी कि औरतों के साथ बहस न करना, वरना मेरे पास तुम्हारा जवाब था। अब जाओ उन्हें आजाद कर दो जिन्हें तुमने कैद कर रखा है, जाओ जल्दी। आखिर कहां ले जा रहे हो मुझे? हाँ, आखिर कहां ले जा रहे हो मुझे? खामोश रहना भी लगता है देर की सुन्नत है। तू कभी फलाह नहीं पा सकती मारिया। ये तमाशा जो तूने इबादत गाह में खड़ा किया है, एक दिन तू खुद इसका शिकार होगी। रूहुल कुदस अमीन, हमेशा हमेशा के लिए अपनी रहमत को तुझसे दूर कर दे। तू ईसा मसीह के बारगाह में मनफूरो मगजूब है। खुशनसीब हैं वो लोग जो महजून हैं, इसलिए कि वो मसरूर हो जाएंगे।
खुशामदी सरदार। अभी तक आप जिंदा हैं। मारिया जी मेरे आका, सियासी लोगों के साथ जिंदगी गुजारना पुरतलातुम दरिया में कश्ती से सफर करने जैसा है। तैयार हो मेरी हम सफर होने के लिए? ज्यादा सफर मैंने बांध रखा है। शौजब की नामालूम तकदीर में तुम्हारा खैर मकदम है। जनाब खजानेदार, बैतुल माल चूहों के मुहासरे में है। खजाने की तैलियां कतरे जाने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए। इन साहिबे कमाल खातून को घोड़ा सवारी आती है? आती है तुम्हें? कोशिश कर लूंगी। चलो खुदा का शुक्र मजबूर नहीं है उनके पीछे पैदल चलें। खुदा का शुक्र। बिस्मिल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि निकाह सुन्नत है और इस सुन्नत पर अमल करने वाला मुझसे होगा। मुबारक हो मारिया कि तुम मुसलमान हो गई और एक मुसलमान को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हसना के लिए आमादा किया। जा सकते हो। इस खत का जवाब नहीं देंगे आप? नहीं, मेरा जवाब वही है जो खलीफा ने चाहा है। खुदा खलीफा को जजा दे कि मेरे दोष पर से ऐसा बार उठा लिया कि मुमकिन था कि मेरी कमर तोड़ दे। कूफे की हुकूमत हम उसी के हवाले करेंगे जिसे खलीफा चाहते हैं। जाओ। जो हुकुम। ये खलीफा जवान अपनी इन हरकतों से माविया की सारी मेहनतों पर पानी फेर रहा है। ये 300, ये हुए 50, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
कुल मिला के 360 दीनार बनी रज़ाक के जंगजुओं का वजीफा। शोज़ब, इसके 400 कर दो, अमीर ने वादा किया है। भाई वादा तुमसे किया है, मुझे हुक्म थोड़ी दिया है, हुक्म आ जाए सरां खोबर। 400 दे दो, मैं अमीर से लिखवा लाऊंगा। शोज़ब, ये कैसे हो सकता है अबू मुसैब? इसरार ना करो मेरे भाई, मैं कैसे बगैर फरमान के जंगजुओं के वजीफे को कम ज्यादा कर सकता हूँ? इस सफेद दाढ़ी के होते हुए 40 दीनार की खातिर तुम समझते हो कि मैं अपना ईमान खो दूंगा? मैंने अमीर से बात कर ली है, जंग के पूरे पूरे आसार हैं, हजारों कूफी अपनी तलवारों को साइकिल कर रहे हैं ताकि कल को फरजंदे अली के साथ जंग कर सके। तुम मुफ्त थोड़ा ही दे रहे हो, ये बनी रजाक के खून के पैसे हैं। ये अमीर का फैसला है कि बनी रजाक के जंग करने वालों को 40 दीनार बढ़ा के देंगे। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो कासिद को भेजकर पूछवा लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा समझे तुम्हें। भाई मैंने कब कहा कि खुदा ना खास्ता तुम झूठे हो? तुम्हारा कौल हुज्जत है शेख, लेकिन किसके लिए? मैं एक दिरहम भी अमीर के फरमान के बगैर खुद उनके दस्तरखान के लिए खर्च नहीं कर सकता। आखिर मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा थोड़ी है। अमीर का हुक्म आ जाए तो मैं अगले महीने से तुमको 440 सिक्के दिया करूंगा, ठीक है? तुम्हें शर्म नहीं आती कि 40 दीनार के खाते लोगों का इस तरह वक्त खराब कर रहे हो? लोगों के और भी काम होते हैं। ये माविया के नमक खारों का ठिकाना है बनी जूजू, तुम रास्ता भटक गए हो। एक मुद्दत से बनी रज़ाक ने भेड़ बकरियों की तरह बैतुल माल को चर डाला है। अब बनी जोजो को कुछ मिल जाए तो तुम्हें कौन सी तकलीफ है? बनी जोजो को बुलाया गया है, तुम्हारी तरह गदाई नहीं कर रहा है। गदाई करना खयानत करने से तो बेहतर है। कल तक तो इनके घर वाले अली अली कहा करते थे, लेकिन जब से इन्हें ये पता चला कि अमीर कूफा हुसैनी और यजीदी जंग में शामिल ना होने वालों को सिक्के तकसीम कर रहा है तो ये लालच में इधर चले आए। खुदा की कसम शोज़ब, इन लोगों की ये मक्कारियां धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। क्यों हसद करते हो फिरौन? अपनी आंखों को अच्छी तरह बंद कर लो। अगर बनी जोजो की कामयाबियां नहीं देखी जा सकती, हम तो चुप रहने की उजरत लेते हैं और तुम अपने गधेपन का चारा। जनाब खजानादार की खिदमत में। इन्हें ना दो, इन्हें ना दो, इन्हें ना दो शोज़ाब। बैतुल माल को मुफ्त खोरों का अड्डा बना लिया है। ये लीजिए सरकार। खुदा की कसम, कल तक तो ये मालून खलीफा की तौहीन किया करता था। मैंने इसको खुद ये कहते हुए सुना है कि यजीद पानी की तरह शराब पीता है और नमाज में तकबीर की जगह आशिकी अशार पढ़ता है। अला या अय्युहा साकी पिला दे, ऐ मेरे साकी जरा मस्ती। काफी है, मुझको दिमाग खराब कर दिया मेरा। बनी जू और बनी रज़ाक अगर पुराने दुश्मन हैं तो मुझसे और बैतुल माल से इसका क्या ताल्लुक है? लड़ना झगड़ना है तो जाओ बाहर, कूफे में जितना तुम्हें चाहिए चटियल मैदान मौजूद है, जाकर वहां रजस पढ़ो। लो पकड़ो इसे, ये रहे 200 सिक्के तुम और तुम्हारे कबीले के चुप रहने की मजदूरी। बहुत से लोग आजकल हुसैन इब्ने अली के सर के सदके में मालदार होते जा रहे हैं। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो लकीर का फकीर हूं शेख, अपनी जेब से थोड़ी देता हूं, सब खलीफा का माल है। लो यहां पर मोहर लगाओ। ये बनी जूजू के लोग हैं जो शराफत अरब के माथे पर दाग हैं। ये मेहमान कुछ लोग हैं, इन्होंने ही हुसैन इब्ने अली को कूफे बुलाया ताकि इनके खून का मामला कर सके। लानत हो ऐसे बेगैरत पर। तुम जैसों पर लानत हो। तुम जैसे गैरत की बात कर रहे हो अबू मुसीबत? जरी सी गैरत होती तो अबू जोजो के साथ ऊंट यूं ही ना निगल जाते। शैतान मर्दूद पे लानत, तुमने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया अबू फितीन। खुदा गारत करे तुझको, हमारे सारे ऊंट निशानदार हैं।
ओ बेदीन, चलो निकलो यहां से, बाहर निकलो यहां से, बाहर। हुजूर, शाम से एक अहम खबर आई है, अमीर यहां मशवरे के लिए आ रहे हैं। खुदा का शुक्र कि मरने से पहले मुझे ये मौका मिल गया कि आज बनी जो और बनी रज़ाक को एक साथ देख लिया। तुम्हें इस नेमत की कद्र करनी चाहिए। खुदा अमीर का साया कूफे और कूफे वालों पर बाकी रखे। ये भाईचारे की सिर्फ अमीर ही की मेहरबानी है। हुसैन के साथ यजीद का झगड़ा हमारे हक में नहीं है। खुदा अमीर की उम्र दराज करे, बनी रज़ाक तो अमीर के हमेशा से एहसान मंद है। अमीर, जो आपने हमसे रकम बढ़ाने का वादा किया था वो अब तक आपके नौकरों तक नहीं पहुंचा। खजानची का कहना है कि जब तक अमीर उसे लिखत में ना दे दे वो 40 दीनार से ज्यादा हमें नहीं देंगे। मुझे माफ करना शेख, मैं मशगूल हूँ, फिर भी हो जाएगा। खुदा आपकी उम्र को तुला नहीं करे। पक करके अमीर का वक्त खराब ना करो, चलो चलो अमीर, इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफिज अमीर। मुशर्रफ किया, मोहताज दुआ। सब बाहर चले जाए, कोई अंदर ना आने पाए। आकर आपने इफ्तिखार बख्शा अमीर, आप हुक्म करते मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता। मैं हिसाब चुकाने के लिए आया हूँ शुजा। हम लोग अब जाने वाले हैं। आखिर क्यों? क्यों का जवाब यजीद से पूछना चाहिए। यकीनन हुसैन के खिलाफ फितने को रोकना पसंद नहीं किया होगा। उसने हुसैन का खून बहाने का फैसला कर लिया है। बेचारे अबू तुराब को मारना महज नादानी। हुसैन का खून बहाकर आले उमैया की हुकूमत बचना पाएगी। मैंने चाहा कि मुआविया की सुन्नत पे चलूं, न हो सका। जब कूफे के कबाइल बेतरफ रह जाते तो हुसैन तन्हा रह जाते, उनके भाई हसन की तरह वो भी तन्हा रह जाते। काश आप अपने इस इरादे को खलीफा के लिए तफसील से लिख देते। लिखा है, लेकिन जो शराब पीता हो और बंदरों का हम नशीन हो वो तो अपने जैसों को चाहेगा शोजब। हुसैन को मक्के ही में रहना चाहिए था। यजीद खून के हवस में मदहोश है, चाहे वो खून कूफे में हो, मदीने में हो या मक्के में हो, यजीद के लिए कोई फर्क नहीं करता। लेकिन खाने खुदा अमन की जगह है। खुदा ने फरमाया है कि मन दखलहु काना आमिना, लेकिन ये कौल उनके लिए है जो मोमिन हो। मुझे आज यकीन हो गया है कि अगर हुसैन खाने काबा के अंदर भी बना लें तो यजीद हुसैन को खाने काबा के अंदर भी नहीं छोड़ेगा, वही उनका खून बहाएगा। अब मुझे एहसास है कि हुसैन अच्छी तरह महसूस कर चुके कि खाने खुदा की हुर्मत को मिटने नहीं देना चाहिए। ठीक है शोजब, जरा हिसाब किताब तो बता दिया क्या है। तुम्हारे अहलोयाल कैसे हैं? अमीर की दुआओं से बखैर वाफियत है। राजी हो तुम? जी अमीर, खुदा का शुक्र कि अच्छी शरीक हयात मिली है। खुदा का शुक्र, औरत अच्छी हो या बुरी नेमत है। अच्छा किया तुमने शादी कर ली। पहले मैं जब देखता था कि तुम औरत से रगबत ही नहीं रखते थे और सुन्नत पैगंबर को बसे पुष्ट डाल रखा था, तो मैं
अफसोस करता था कि बगैर बीवी के मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। जब ही तो अल्लाह के रसूल ने शादी करने के लिए इतनी ताकीद और सिफारिश की है। जब तक मारिया नसरानी तुम्हारे पास है, किसी दूसरी औरत के चक्कर में न पड़ना, वरना तुम पछताओगे शोजा। जब उसने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है तो वो सौकन भी बर्दाश्त न कर पाएगी। सुना तुमने कि यजीद से तैर के राहिबों ने तुम्हारी शिकायत कर दी है? जी जी अमीर, मैंने सुना है और आपसे शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा क्यों? क्योंकि मुमकिन है कि दैर वालों की शिकायत आपके माजूल होने में अपना असर रखती हो। ये भूल जाओ शोज़ब कि दैर के राहिबों की शिकायत से मुझे माजूल किया गया है। मैंने वो काम किया है जो हर इंसाफ पसंद अमीर अपने अमानतदार कादिमों के साथ करता है। मारिया नसरानी ही वो वाहिद और मामूली अजर था जो मैं तुम्हारी मुखलिसाना जहमतों के एवज दे सका। जब तक जिंदा हूं मैं आपकी इस नेकी को फरामोश नहीं करूंगा। खुशबूजार हिंदी मसाले, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, खुरासानी जाफरान 100 दिनार, किरमान का जीरा 100 दिनार। हम लोग इतना खा गए, इतने मसाले किस में खर्च हो गए? इतना पुरखर्च बावर्ची खाना। नहीं फरमाया आपने कि खलीफा ने आपकी जगह किसे मंसूब किया? मेरी जगह पे इब्ने ज़ियाद आएगा शोज़ब। इब्ने मर जाना। खुदा हम दोनों पर रहम करे शोज़र। मैं तो समझती हूँ कि इस हरीस बच्चे का पेट भरने के लिए तुम्हें हातमताई बनना पड़ेगा। फरमाइशों पे फरमाइश, वो भी कैसी? हमारे साहिबजादे मुर्गे मुसल्लम से कम नहीं मांगते। खुदा रहमत करे मेरी माँ पर। वो कहती थी कि वो जब हामिला थी तो सिर्फ कोयला, खाक और घास खाना चाहती थी। आज तो इसने जी भर के शरारत की, ऐसी तेजी से लात पे लात मार रहा। खाने पीने में कमी ना करना मारिया, इसमें अगर कमी की तो बच्चा कमजोर होगा और नाकिस। इताअत मेरे सरकार, लो खाओ। अभी दिल नहीं चाह रहा है। थके हुए हो? थका नहीं हूं मारिया, कुछ परेशान हूं। नोमान का जाना यानी एक तूफान का आना, यानी छुपे हुए कीनों में तला तुम। पिसरे मर जाना के आते ही खून का सैलाब बह निकलेगा। मैं तुम ये तिफले मासूम सब खतरे के दायरे में। तुम टालने का नहीं सोचते? क्या कर सकता हूँ, वही हिकमत जो नोमान ने किया। नोमान को माजूल किया है। अच्छा तो तुम भी माजूल हो जाओ। यानी इस्तीफा दे दूं? नौमान इब्ने बशीर जैसों के पास इतना मालो सर्वत है कि अगर माजूल भी हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मेरे पास क्या? ना कोई ऐसा जंगजू हूं जो तलवार चलाकर कुछ सिक्के कमा लूं, ना ऊंट का गल्ला मेरे पास है जिससे अपने खराजात पूरे कर लूं, ना ही कोई मुझे काम आता है। मेरा सारा खजाना इल्म हिसाब है मारिया, मेरा शुगल खजानादारी है। अपनी उम्र के तकरीबन 15 साल मैंने सर्व किए हैं ताकि अपने काम में महारत हासिल कर लूं। शोज़ब, क्या बात है मारिया? तुम अली को कितना चाहते हो? ये क्यों पूछती हो?
क्या मैंने गलत सवाल किया? अजीब सवाल है। तुम जरूर अली से मेरी मोहब्बत को सुनकर ये पूछोगी कि क्यों मैं अली को छोड़कर माविया की पनाह में चला गया। हाँ मारिया, खुदा के लिए मुझसे ये सवाल ना करो। शोजब, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। खुदा की कसम मैं ये नहीं चाहती कि रोजी की वजह से तुम मजबूर हो कि इब्ने ज़ियाद जैसे संग दिल शख्स की खिदमत करो। मैं मुफलिसी से मानूस हूँ। मेहनत तो शफ़क़त भी देर में रहकर सीखा, ये गुजारा कर सकती हूँ। मारिया, तुम वाकयन एक फरिश्ता हो। फरिश्ते तो आशिक नहीं होते शोजब। क्यों नहीं, एक ने नाफरमानी की और आशिक हो बैठा। तो क्या मैं शैतान हूँ? नहीं मोहतरमा, आप तो हव्वा हैं। तो हव्वा खाओ, इस मना किए गए फल को खाओ, आदम को भी खिलाओ। दीवानी कहीं की, ख्याल रहे कि हमारी बेटी तुम्हारी तरह दीवानी ना हो जाए। अरे बेटा भी एक मुअम्मा होगा शोजब, बिल्कुल अपने बाप जैसा। मेरे राजों की वजह से मेरी सरजनिश ना करो। आओ मेरे साथ। कहाँ शोजब? आओ, वो राज जो मैंने अपने सीने में महफूज कर रखा है वो तुम्हें दिखाऊं। ये कमजर्फ सीना वो संदूक है जिसमें मेरे राज महफूज हैं। बारहा मैंने चाहा कि उन्हें फाश करूं, लेकिन मुझे डर था कि तुम में कहीं उसे सुनने की ताकत ना हो। लो लो, ये है अली से जुदा होने की मेरी दलील। मुझे माफ करना शोजब, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी खोज तुम्हें इस कदर परेशान कर दे। ये निशान तुम्हारे तमाम चूचेरा का जवाब है। ये वही मोजज़े इश्क है। ये तो सितारे दाऊद है, कौम यहूद की पहचान। तुम यहूदी हो गए हो शोजब? मजहब इश्क में यहूदी, मजूसी, ईसाई, मुसलमान सब बराबर हैं। ये वो जुमला है जिसको तुमने खुद मेरे लिए लिखा है, तुम्हें याद नहीं है? देख लिया, मैंने कहा था ना तुम सुनने की ताकत नहीं रखती। मारिया, मारिया, मैं एक मुसलमान हूं मारिया, एक ऐसा मुसलमान के जिसका दिल एक यहूदी लड़की का आशिक हो गया और जिसे हासिल करने के इंतजार में पूरे 15 साल अली के साथ खयानत की। मैंने जब भी चाहा तुम्हें यह बात बताऊं, तुम्हारी मासूमियत और खुलूस की वजह से मुझे शर्म आई। उस सुबह के जब कूफे की नाखलफ औलादों में से एक ने मेरे मौला के सर को शिकाफ्ता किया, मैं कूफे और कूफे वालों से बेजार होकर बयाबानों की तरफ निकल पड़ा। अब ऐसे शहर में मेरे लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था जो अली के सांसों से पुर था। बस यही आरजू थी कि काश कोई मेरे सीने को भी शिकाफ्ता कर दे और मुझे यतीमी के दर से निजात दिला दे। मैं भाग निकला, कूफे और कूफियों से दूर चला गया। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? जमल, सिफीन, नहरवान, आखिर कहाँ? इस बार इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, जहां दिल चाहे जाओ, बस शर्त यह है कि मुझे अली तक पहुंचा दो। अली तक, वो मर्द कि जिसके जैसा दुनिया में फिर पैदा ना हुआ। तुम्हें याद है जब वो जुल्फिकार खींचता और नारा बुलंद करता तो पहाड़ भी उसकी हैबत से लरज उठता।
तुम्हें बहुत मजा आता था, हिनहिनाते और अपने दो पैरों पर रक्स करते थे। तुम एक बार तो इतना मदहोश हो गए कि मुझे जमीन पर दे मारा। सिफीन का मौका था ना, अमरियाज के साथ जंग में अली की शर्महया को देखा। अगर अली की शर्म रुकावट न बनी होती तो उस दिन जुल्म हमेशा के लिए दफन हो गया होता। क्यों बार बार कूफे का रुख करता है? अली कूफे में नहीं है, अली कूफे से बेजार है। कूफे ने कब अली के दर्द दिल को सुना? अली के दर्द दिल, हाँ तुझे याद नहीं किस तरह कुएं में सर डालकर कूफे और कूफियों की बेवफाई का मरसिया पढ़ते? कूफे ने कब उल्फत व मोहब्बत से मालामाल अली के उन हाथों को देखा जो यतीमों के सर पर फेरा करते थे। लानत हो कूफे और कूफियों पर जिसने अली को हरगिज न पहचाना। तो दौड़ लगा मेरे हमसफर, दौड़ लेकिन कूफे की तरफ नहीं। तुझे तेरे अजदाद की कसम कूफे को भूल जा। कूफा अली का मक्तल है, सदाए फुस्त व रब्बिल काबा को नहीं सुना तूने? तो बस परवाज कर, सुमो को जमीन पे ना रख, मुझे अर्श पे ले जा, मुझे अली के पास ले जा, अली के पास। मरहबा मेरे दोस्त, सही जगह पर लाया है। वो भी यक्का व तन्हा है अली की तरह। इस चलते हुए चटियल मैदान में आ मेरे दोस्त, आ चलकर थोड़ा उसके साय में आराम कर ले। हम रास्ता भटक गए हैं, यह खुद को मारना है, यह खुदकुशी है। खुदकुशी करके अली तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों मुझे बुरी नजर से देखते हो? खुद मेरे ख्वाब में आए थे, बहुत गजबनाक भी थे। मैं इस सहरा में आया था गुम होने के लिए, मरने के लिए। खुद तुम देख रहे हो, इस वादी बरहूस से एक ऊंट भी जिंदा जान बचाकर नहीं जा सकता। लेकिन अली को हमारी मौत पसंद नहीं है, गजबनाक हालत में हमसे चाहा है कि हम जिंदा रहें। आ आ मेरे दोस्त, आ देर होने से पहले अपने को निजात दे। Thank you.
तू तो मुझसे भी गया गुजरा है। हम भटक गए हैं, हम कूफे से इतना दूर तो नहीं हुए थे। हैफ है तुझ पर, आखिर तू कैसे उस रास्ते को भूल गया है जिससे तू खुद आया है? हाँ, Thank you.